झांसी के मोठ में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए डीएम और एसएसपी ने अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बूथों की व्यवस्था, बूथों के आसपास के सीमांकन को भी चेक किया। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को बारीकी से जांच करते हुए कमी पाई जाने पर तुरंत समाधान और सही करने के लिए निर्देशित किया। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए झांसी डीएम अविनाश कुमार एवं एसएसपी राजेश एस ने अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान पहले मोठ तहसील के आदर्श इंटर कॉलेज एवं केसीपी इंटर कॉलेज एवं हाईवे के सैमरी प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए बूथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ अति संवेदनशील कैसे हुए, अति संवेदनशील बूथों पर क्या क्या समस्याएं आती हैं, समस्याओं के निराकरण, बूथों की व्यवस्था, बूथों पर बिजली व्यवस्था, बूथों की देखभाल और अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। जिलाधिकारी अविनाश कुमार के मुताबिक उन्होंने 3 बूथों का निरीक्षण किया है, जिसमें यह बूथ अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील बूथों पर उनकी समस्या और बूथों पर प्रशासन की कड़ी नज़र रखने के लिए इनका निरीक्षण किया गया। देखिए, चुनाव के दृष्टिगत मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा हम लोग क्रिटिकल बूथ जो प्राप्त हुई है सूची तहसील और सीओ साहब लोगों के माध्यम से उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने मोठ के 2 बूथ, आदर्श इंटर कॉलेज और केसीपी कॉलेज इंटर कॉलेज, इनका निरीक्षण किया। यहाँ पे जो बूथ है उनकी व्यवस्थाएं देखी और साथ ही सेमरी उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है वहाँ भी गए थे। वहाँ भी निर्देश दिए गए कि बूथों की तैयारी पूर्ण कर ली जाए और जो भी ट्रबल मेकर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।